इतनी तेज तुम्हारे पास ना लोग दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें क्राउडेड दिख रहा है यहाँ पे। तो क्या हो गया, हॉर्न मार दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। हाँ मैंने तुम्हें लाइन मारने के लिए मारा था हॉर्न, अब बताओ। बट मुझे क्या पता कि तुम मेरे लिए सज धज के आई हो यार। कोशिश करा मैं लकवारी पर बोल ना पाया। आज की वीडियो में यार मैं अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से यार लड़की को पिकिंग अप करने वाला हूँ। तो यार बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। क्या हो गया? तो इतनी तेज हॉर्न कौन मारता है? अरे पब्लिक प्लेस, यहाँ पे कोई जाम नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? मतलब कि जाम नहीं है तो क्या हॉर्न मार सकता है क्या? तो एक साथ मारोगे? इतना लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। अरे मैंने हॉर्न तुम्हें देख के मारा था क्योंकि तुम मेरे को क्यूट सी लग रही थी। अब बताओ, ये सुनना चाहते हो ना? रिडिकुलस। अरे यार देखो मैं इतनी इंग्लिश नहीं जानता, ठीक है? नहीं इंग्लिश वाली बात नहीं। सिंपल सा ये बता दो, अगर तुम्हारा मन फॉर्च्यूनर में घूमने का हो रहा है तो सिंपल सा बताओ ना, इतना इतरा के बोलने की क्या जरूरत है? सॉरी व्हाट डू यू मीन? अरे यार सिंपल सा मतलब है कि अगर तुम्हें मेरे साथ फॉर्च्यूनर में ट्रिप पे जाना है तो चल सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्यों जाऊँगी किसी के साथ? तुमने हॉर्न मारा और मैं गाड़ी में बैठ जाऊँगी? देखो यार तुम वैसे भी यार देखो, अरे सेंस तो बहुत है मेरे में और इतना तगड़ा सेंस है। देखो स्माइल करने लगी ना अभी, मुझे पता था। बट इतने रिडिकुलस मुझे पता था यार, मैं क्या कह रहा हूँ मुझे पता था। लाइक अ फूल। और कुछ बोलना है? अब जो बात है वो बता रही हूँ। देखो तुम इतनी तेज, देखो तुम्हारे पास ना लोग दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें क्राउडेड दिख रहा है यहाँ पे। तो क्या हो गया, हॉर्न मार दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। हाँ मैंने तुम्हें लाइन मारने के लिए मारा था हॉर्न, अब बताओ। बट मुझे क्या पता कि तुम मेरे लिए सज धज के आई हो यार, सच में। ये करने से कुछ नहीं होता, ये करने से। अबे यार क्या बात कर रही हो? मैं नहीं बैठने वाली हूँ। नहीं बैठने वाली हो? कुछ है बिठाने लायक बताओ। चलो मुझे, तुम भी क्या है तुम्हारे अंदर इंटरेस्टिंग क्या है मुझे बताओ। देखो मेरे अंदर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो ये है, मेरे साथ तुम जितने टाइम तक रहोगी तुमको एक बहुत ही अच्छा फील होगा। प्लान कैंसिल कर दूं मतलब फ्रेंड्स के साथ का ये शो? हाँ हाँ मेरे को क्या दिक्कत है, फुल टाइम एंजॉय करेंगे। तो काम तो बहुत है, वैसे मैं वेला बंदा नहीं हूँ तो, लेकिन यार तुम्हारे साथ मैं मीटिंग करके थोड़ा बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मुझे लगता है कि हमने 2 मिनट बात की है, इससे ज़्यादा बात भी नहीं की। अगर हम चले कहीं और उस तरीके से हम एक दूसरे को और ज़्यादा पहचानने लगे और एक दूसरे में इंटरेस्ट लेने लगे। तो फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है ना यार? इसके लिए तो तुम मेरे को एक स्टैम्प पेपर लो। करते हो, मुझे नहीं लगता कि तुम सिंगल होंगे अब तक। मतलब तुम्हें लगता है कि मैंने 2-4 लड़कियां पटा रखी होंगी? पक्का? तो मैं कंफर्मेशन दे देता हूँ तुम्हें कि यार मैं बिल्कुल सिंगल हूँ। एक होता है इंसान थोड़ा बहुत अफेयर भी चलता है, मतलब मैं तो पूरे सिंगल हूँ। तो तुम्हारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि एक सिंगल लड़का जो तुम्हें घुमाने के लिए अपनी फॉर्च्यूनर में लेके जाएगा। क्यूट हो तुम ऐसी। थोड़ा लेट आया यार, जो मैं सुनना चाहता था आया, बट थोड़ा सा लेट क्यों? तुम्हारी बात तो सही है ना, काइंड ऑफ क्यूट एंड स्टूपिड आई कैन से। देखो 2 चीज़ें होती हैं, या तो लड़कियां किसी को स्टूपिड तब बोलती हैं जब वो बिल्कुल ही दिमाग से गया गुजरा होता है। एक दूसरा उनका तरीका ये भी होता है कि इनडायरेक्टली वो किसी की बड़ाई ना करते हुए ना वो एक बैड कॉमेंट उठाती हैं और इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करती हैं कि सामने वाला उनको कुछ बोले। बट तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। तुम पहले से बहुत क्यूट हो और ज़्यादा तारीफ करूँगा तुम चढ़ जाओगी झाड़ पे और वो मुझे पसंद नहीं है। शट अप। ठीक है शट अप। तो आप सिंपल सा बता दो, चलना है नहीं चलना है? अगर नहीं चलना तो कोई बात नहीं यार, मैं अकेले भी चला जाऊँगा। क्या हुआ इतनी जल्दी क्या है जाने की? दरवाज़ा बंद कर दो। क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स का कॉल आ रहा है बार बार। यार ये फ्रेंड का चक्कर छोड़ो और जल्दी से ना मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ। आयशा? हाँ क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। बंदे बहुत मिले होंगे यार, रोड छाप और जैसे भी मिले होंगे तुम्हें ऐसे ही मिले होंगे मुझे लगता है। लेकिन मैं कुछ अलग हूँ, मैं डिफरेंट हूँ और डेफिनेटली मेरे साथ जो भी टाइम तुम्हारा स्पेंड होगा वो बहुत ही प्यारा होने वाला है। तो अब तुम बता दो, तुम्हें चलना है या नहीं चलना है? ओके, आई कैन से नहीं, हाथ मुझे अपने हाथ में दे दो जल्दी से और पहली फुर्सत में बैठ जाओ, ठीक है? तुम इस साइड से बैठो और मैं तुम्हें आज बढ़िया सी ट्रिप दे के आता हूँ। एक बात बोलूं, तुम बहुत लकी हो